Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Muzaffar Teja. How are you? आज 11 फरवरी 2022 है, सैटरडे का दिन, अनदर डे, अनदर व्लॉग. जदों वीकेंड आता है, वीकेंड मीन ग्रोसरी, ग्रोसरी करके मैं आ चुके हुए हैं और वैदर तुसी देख ही लिया है, वैदर इज हॉरीबल. यो हॉरीबल वैदर है जिदा मैं पहले जिक्र किया सीगा कि इट्स कोल्ड, इट्स विंडी, बाहर तुसी निकल नहीं सकते, कंटिन्यूसली मीह पै रहा है, हॉरीबल हॉरीबल. अगर तुम्हें याद हो मैं अपनी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो के जिक्र किया 10 must have ऑब्जेक्टिव जिहड़े तुहानू करने चाहिए आ, मैनू भी करने चाहिए आ. इट वॉजन फॉर यू, इट वॉज फॉर मी एज वैल. तो उन्होंने एक सीगा कि मैं बुक्स पढ़िया पढ़निया ने इस साल, तो उस मिशन के उत्ते जनाब मैं अमल शुरू करता है. आई हैव बॉट माई फर्स्ट बुक, पढ़नी शुरू की है. इट लुक्स इंट्रस्टिंग, साउंड इंट्रस्टिंग, कन्फेशन ऑफ एन इकनोमिक हिटमैन. बड़िया ने तारीफा सुनिया ने. यह स्टोरी है बेसिकली एक ऐसे बंदे की जरा ना काइंड एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हाउ अमेरिका एक्चुअली टोक ओवर द वर्ल्ड, कि सुपर पावर अमेरिका किदा बनिया, किदा अमेरिका ने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हर मुल्क, हर रीजन, हर टेरिटरी, हर सब कॉन्टीनेंट के उत्ते. तो होपफुली दिस इज़ गन बी द फर्स्ट ऑफ मैनी टू कम. अच्छा, इतने वैदर मैं कई दफ़ा दसिया भी यह ही होंगे आ हमेशा ही, लेकिन इतने थोड़ी ट्रेनिंग इस किस्म की होंगी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वैदर जहाँ जहाँ मर्जी हो, वैदर डजेंट होल्ड यू बैक फ्रॉम द थिंग्स यू नीड टू डू और यू वॉन्ट टू डू. हम वैदर उदा ही आ. बट मैं एक दोस्त नूं मिलना सीगा, बड़ा जरूरी सी, बड़ी देर हो गई सी, तो उन्होंने मैं मिल के आया हाँ. ईवन दो इट वॉजेंट द आइडियल वैदर, बट आई हैव डन वट नीड इट डूइंग. लो जी, एक शेर याद आ गया. सर्दी गर्मी लंघ जाती है, यादा दे मौसम नहीं मुकते, असी चन ते की जाना है, साडे घर दे काम नहीं मुकते. लो जी, आ व्लॉग शुरू की, अज तीसरा दिन हो गया, सैटरडे शुरू किया, सैटरडे गया, संडे गया, अज मंडे आ गया, हुण मैं काम शुरू कर लिया होया. उस दे बावजूद ना ये वीडियो सिरे नहीं चढ़ी हैगी. कुछ अपनी मसरूफियात, कुछ वैदर है जिहड़ा भी थोड़ा जिहा फैक्टर इन करन लग पिया हुण. दरअसल जदों तुसीं कोई चीज़ क्रिएट करनी होवे ना, कोई गल ही ना समझ आवे, कोई प्रोडक्टिव कोई आइडिया जिहदे उत्ते मैं ना वीडियो बना सकां, तो फिर ना एवें स्टक हो जाता बंदा. तो हुण मंडे हो गया, काम शुरू किया होया आ, तकरीबन लंच का टाइम हो गया. एक दो चीज़ा सी करन वाली मैं कर लिया ने, हुण जाके थले लंच प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं व्हाट्स ऑन ऑफर. ये हुण जदों एक जमाना सी ना बनी नौ इंसान के कोल खाण नूं इन्ना कुछ नहीं सी हुंदा, उदों यह फिक्र हुंदी सी कि जनाब बस खाण नूं कुछ लभ जावे, रोटी रोटी लभ जावे, कुछ जरूरी नहीं सी हुंदा कि नाल कोई सालन सुलन भी होवे. लेकिन हुण जदों अल्लाह ने ब्लैसिंग्स करतियां, रहमतां करतियां ने, खाण नूं इन्ना कुछ आ, ते हुण जदों फ्रिज खोली ते समझ नहीं आउंदी कि खाइए की. ते अल्लाह दी रहमत दा शुक्र अदा करना चाहिए. बहरहाल मैं गल कर रहा कि पहले लोग स्ट्रगल करते सी, ते हुण अलहमदुल्ला इन्ना कुछ हर किसी कोल, अल्लाह पाक सब नूं देवे. इतने ना बने बनाए पराठे मिल जाते हैं, तो अगर मैं तुम पराठे बनाने हो देसी पराठे वगैरह तो नहीं होंगे जिदा थोड़े घर के पराठे होंगे, बट ना आ किस्म की वरायटी होंगी है ये ना, वो होंगे तो बड़े बारीक जे ने, बट पेड़ा करके ना उन्होंने किया होंगे, जरा फ्लैटन किया होंगे, तो तुम बस इन गर्म करो और खा लो. लो जी, लंच कर लिए, फिर गप्पा मारते हैं.
अगर तुसी बैटमैन और कॉमिक स्टोरियों के इंटरेस्ट रखते हो ना, तो एक मूवी है, बल्कि तीन मूवीज़ ने, बैटमैन बिगेंस, डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस। वो देखो बड़ी अच्छी फिल्मों ने। उन्होंने फिल्मों के ना बेसिकली वो बैटमैन की जी स्टोरी है ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया गया कि बैटमैन किदा शुरू होया और फिर मतलब हूँ तक वो जड़ा हीरोगिरियाँ कर रहा वो कर रहा। जी मैं गल दसना चाह रहा उस फिल्म के हवाले के जी पहली फिल्म है ना बैटमैन बिगेंस, वो दिखाया गया कि बैटमैन छोटा बच्चा हों ब्रूस वेन वो किसी ने खूह गिर जाता, तो वह प्यो बड़ा अमीर कबीर बंदा दिखाया, वह ना एक रस्सा उत्तों पा के लटक के पुत्र थलों क्ढन आता और पुत्र ना मतलब हौसला दवा के कुछ नहीं होया खैर आ खैर आ, तो उन्होंने इंग्लिश के पुछता कि वाई डू वी फॉल ब्रूस, बच्चा अगों कोई जवाब नहीं दिता, तो फिर वह प्यो आप ही कहता सो वी कैन लर्न टू पिक आवर सेल्व अप। ये बेसिकली मैं गल क्यों दस रहा, पूरी फिल्म जी मैं मतलब चीज़ समझदा ना कि मैनशन की जा सकती है किसी को, एक कोट आ जो प्यो ब्रूस न कहता। मुश्किल वक्त जो साढ़े आता ना वो इस वास्ते नहीं होंगे कि सू पनिश किया जा रहा कुदरत वालों अल्लाह वालों, वो इस वास्ते होंगे कि सू किसी अगले व्डे मिशन वास्ते तैयार किया जाए, सानू तैयार किया जाए कि जो कि सानू ठोकर लगे सानू पता हो जनाब किदा हिम्मत कट्ठी करनी है, किदा हिम्मत करके फिर दोबारा खड़ा होना। अगर असी उन्हों छोटिया छोटिया मुश्किलों के नहीं गुजरे होवे ना, तो फिर जो कि वही मुश्किल साढ़े सामने आएगी असी उन्हों एनकाउंटर नहीं कर सकेंगे। अजक करोना वायरस तुरै फिर रहा, जस्ट इमेजिन कि करोना वायरस जो नहीं सी है उदो साडे इम्यूनिटी नहीं सी हैगी करोना वायरस में फेस कर, हुण ठीक है मतलब इन्ने साल तकरीबन लॉकडाउन रहे ने, कितने ही लोग बेचारे अल्लाह नूं प्यारे हो गए बिकॉज ऑफ दिस वायरस, बट हुण जो एक बार आ गया ये रूशनाश हो गया दुनिया के उत्ते, हुण साडे लोगों के इम्यूनिटी आ गई है साडे विच कि अगर हुण कदों आएगा तो असीं इहनूं फेस कर सकते। देखो ना हुण हले भी नवे तो नवा वेरियंट आ रहा, लेकिन उहदा इंपैक्ट इन्ना सवीयर नहीं हैगा जिहड़ा उदों सीगा जदों करोना वायरस नवा नवा आया सी। नाल ये भी एक सूरत हुंदी है, असीं सोच सकते हैं कि यार सानू ट्रेन किया जा रहा औखे वेले वास्ते, अल्लाह पाक कुदरत पावर ऑफ नेचर जिहड़ियां ने वो सानू प्रिपेयर कर रही ने बुरे वक्त वास्ते, वो अल्लाह साढ़े ते बुरा वक्त भेजे ही ना, सो ना बुरा वक्त भेजे ना सानू ट्रेनिंग करनी पवे। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होया सम टाइम ना साढ़े ते बुरा वक्त साढ़े अपने करतूतों ही वह तो आता, सो अगर साड़ी ट्रेनिंग हुई होएगी ना दैन पॉसिबिलिटी है कि असी अपने करतूतों की वजह तो भी जोड़े बुरे वक्त फंसे होवोंगे उन्होंने भी निकल सकेंगे। मिसाल के तौर पर असी नशा पत्ता शुरू कर दें, जुआ शुआ खेलना शुरू कर दें, तो सानू पता है कि जनाब इन्हों कामों का एंड जड़ा है माड़ा ही होना है, उन्हें सानू मतलब मुश्किलात लैके जाना है, माली मुश्किलात सेहत दी मुश्किलात, तो वो साढ़े अपने अमाल है जोड़े सानू उधर धकेल रहे हैं। ठीक है अल्लाह पाक ने दस्या है कि आह काम ना करो थोड़ू तंग हो जाओगे तुम, लेकिन जो असं फिर भी करते हैं मुश्किल से घिरते हैं, तो अगर साड़ी पहले ट्रेनिंग हुई होएगी, इफ वी हैव फॉलन ओवर एंड ओवर टाइम एंड इफ वी हैव पिक्ड आवर सेल्व ओवर एंड ओवर अगेंस्ट, क्योंकि असी लर्न किया हो कि गिरना है उठना है गिरना है उठना है, फिर ईवन जो साडे अपने करतूतों में तो साढ़े तो बुरा वक्त आएगा, वी विल बी इन अ पोजिशन टू पिक आवर सेल्व अप। अगर इंट्रस्ट रखते हैं तो वो तीन मूवीज की सीरीज़ है, आई से इट अगैन, बैटमैन बिगिनस, डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस, बहुत अच्छी फिल्म, अगर तुम शौक रखते हो जरूर देखियो। तो अगर अज की वीडियो थोड़ी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और अगर तुम चैनल सबसक्राइब नहीं किया हाले तक दैन प्लीज़ सबसक्राइब टू माई चैनल, वाल मोटिवेशन मिलती है मेरे अगर बंद होर वीडियोज़ बनाने वास्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, थोड़ा मुलाकात होगी अगली वीडियो, उदों तक अल्लाह हाफिज़।